नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अजमेर रीजन में सीबीएसई 2019 में जो एग्जाम हुआ फिजिक्स का पेपर सेट 55/2/1 उसमें आए हुए 5 मार्क क्वेश्चंस। सेट 1, 2 और 3 तीनों में 5 मार्क क्वेश्चन सेम थे। हाँ, 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क में कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट थे, वो भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और 3 मार्क और 1 एंड 2 मार्क हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी सेक्शन डी, 5 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड व्हेन ए कॉइल ऑफ कैपिटल एंड टर्न्स। ये लूप दिखाया है, इसको हम मान सकते हैं, नहीं ये डायग्राम इसका नहीं है। Derive an expression for induced EMF developed when a coil of capital N turns and area of cross section A is rotated at a constant angular speed omega in a uniform magnetic field B. Or B part hai, a wheel with 100 metallic spokes. So, pehle A part kar lete hain. Expression derive karne ke liye do number hai. Flux linked with the coil at any instant of time, phi equal to बी ए कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह ओमेगा टी हमने लिखा, एन टर्न्स है इसलिए एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फैराडेज लॉ से इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होती है। तो डी फाई बाई डी टी निकाला हमने, डिफरेंशिएट किया, एन बी ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आया। माइनस साइन डिस्कार्ड कर दिया हमने माइनस साइन, क्योंकि जो ई एम एफ होता है वो लेंज लॉ ने, लेंज लॉ से हमें माइनस साइन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। सो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि अपोज करेगा वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। NBA ओमेगा जो कि पीक वैल्यू है, जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा उसको हम लिखते हैं E0, तो एक्सप्रेशन हुआ E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। सो दिस इज पार्ट ए। ए व्हील विद 100 मेटलिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम आपको दिया हुआ है। In a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field, if the resultant magnetic field at that place is 4×10⁻⁴ Tesla and the angle of dip at that place is 30 degree, हमें EMF induced निकालना है between the axle and the rim of the wheel. Axle की spelling पर गौर करें, ये होती है AXLE. तो इसे solve करने के लिए आपको दिए जाएंगे 3 मार्क्स। एक्सेल की स्पेलिंग सॉल्यूशन में यहां रॉन्ग थी, तो ये मैंने इंडिकेट किया हुआ है। और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपरली देख लें, 2 और 3। नाउ बी पार्ट, जो गिवन डेटा उसको हमने लिखा, लेंथ 0.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी 120 आरपीएम को बदला आरपीएस में, रेवोल्यूशन पर सेकंड में, बिकॉज ऐसा यूनिट इज रेवोल्यूशन पर सेकंड, जिसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं। ओमेगा कैलकुलेट किया 2 पाई न्यू, 4 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया। बी की वैल्यू 4×10⁻⁴ टेस्ला, डेल्टा 30 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कटेगा, तो हमने बीएच की वैल्यू निकाली 4×10⁻⁴ × cos 30 √3/2, तो ये आ गया 2√3×10⁻⁴ टेस्ला। जैसा कि हम जानते हैं इंड्यूस डीएमएफ होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आंसर कैलकुलेट किया 5.44×10⁻⁴ वोल्ट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 25 का पहला वाला पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट, और ऑप्शन में जो है या तो ऊपर वाला करना था या तो नीचे वाला पार्ट है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन ए करंट आई डेवलप्ड इन इट, hence obtain expression for the magnetic energy density. तो जैसे कैपेसिटर के लिए होता है हाफ सी वी स्क्वायर, वैसे इंडक्टर के लिए हाफ एल आई स्क्वायर होता है, और हमें एनर्जी की डेंसिटी भी निकालनी। तो ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आपको मिलेंगे दो नंबर, डेढ़ प्लस आधा। तो पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर बी पार्ट देखेंगे। When external source supplies current to the inductor, EMF is induced in it due to self-induction. So the external supply has to do work to establish current. Amount of work done, small work अगर हम consider करें dW, तो होता है charge into voltage.
तो ये वोल्टेज का ईएमएफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ का मॉडुलस मैग्नीट्यूड हमने लिया और चार्ज होता है आई डी टी, उससे मल्टीप्लाई किया। नाउ ई हम जानते हैं तो एल डी आई बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू हो गया एल आई डी आई। नाउ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द होल वर्क डन हमें मिलता है डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यानी इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिलेगा हाफ एल आई स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होती है। अब वॉल्यूम यहाँ पर डिटेल दी हुई नहीं है, अगर दी हुई होती एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस दिया हुआ होता तो सिलेंड्रिकल सॉलोनॉइड मानकर इस इंडक्टर को हम वॉल्यूम से डिवाइड करके एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकाल लेते। नाउ द बी पार्ट, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट 0.2 एम्पीयर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पीयर एज शोन। तो ये जो डायग्राम है ऊपर सबसे, इसी की बात हम कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को मैं शिफ्ट कर देता हूं एज शोन यहां पर। तो हम देख पा रहे हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स हमें निकालना है और टॉर्क अगर कोई काम करेगा लूप पर वो निकालना। इसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर, ढाई प्लस आधा। तो यहां पर बी पार्ट की कैलकुलेशन डायग्राम को मैंने दोबारा से बनाया है, कंडीशन दिखा रखी है लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। जो एस आर और पी क्यू एन पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, पी एस और क्यू आर पर फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय द लेंथ एस पी ऑफ द लूप पर यूनिट लेंथ, एफ वन हो गया म्यू जीरो आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर वन, वैल्यूज रखी कैलकुलेशन की 4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, और ये है अट्रैक्शन का। ऐसे ही क्यू आर पर फोर्स निकाला तो हम लिख भी सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय लेंथ क्यू आर ऑफ द लूप पर यूनिट लेंथ। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, रिपल्शन का फोर्स कम आएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है 2.6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो नेट फोर्स निकाल लेंगे, ज्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय लूप नेट फोर्स आ गया 7 × 10⁻⁷ न्यूटन। ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फोर्स निकाला है और वो बाकी जो था वो फोर्स पर यूनिट लेंथ था। हम चाहें तो इसको सिंबल स्मॉल एफ से दिखा सकते हैं क्योंकि यह है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यह भी है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी एफ बाय एल है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उसको हमने दिखा दिया सिंबल स्मॉल एफ से जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा लेंथ से। ये कंसेप्चुअल पार्ट है इस न्यूमेरिकल का। नेट फोर्स अट्रैक्टिव है नेचर में और टॉर्क यहां पर कोई नहीं बनेगा क्योंकि लाइंस ऑफ एक्शन जो है फोर्सेस की वो कोइंसाइड करेंगे तो उनके बीच कोई गैप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सन। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। Two polaroid P1 and P2 are placed with their axes, with their path axes perpendicular to each other. यानी crossed है। Unpolarized light of intensity I is incident on P1. एक तीसरा polaroid, third polaroid P3 is kept between P1 and P2 such that its path axis makes an angle of 45 degree with that of P1. NCERT का solved example है। Calculate the intensity of light transmitted through P1, P2 and P3. तीन जवाब में देने। पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। डायग्राम बनाने का एक नंबर, एक्सप्लेनेशन लिखने का एक नंबर, इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का आधा प्लस एक प्लस डेढ़, कुल मिलाकर
पांच नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये डायग्राम आपको बनाना था, सन से अनपोलराइज लाइट आ रही है, स्कैटरिंग होने के बाद वो पोलराइज हो गई। चार्जेस एक्सेलरेटिंग इन मॉलिक्यूल्स, ये लाइट जब जाकर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर पर गिरती है तो उसमें मौजूद चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर एक्साइटेड एक्सेलरेट होते हैं, वो पैरेलल होते हैं इनके वाइब्रेशंस टू द डबल एरोस, डबल हेडेड एरोस के पैरेलल होते हैं, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते ऑब्जर्वर की तरफ, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन एनर्जी रेडिएट करेंगे। रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इज पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। अल्टरनेटिवली अगर कोई स्टूडेंट लिखता है स्कैटर्ड लाइट व्हेन व्यूड इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज फाउंड टू बी पोलराइज्ड, तो भी लॉजिकल है, उसके लिए भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट पोलराइड से निकलने के बाद जैसे कि हम जानते हैं मेलस लॉ को फॉलो करके आई इक्वल टू आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, इंटेंसिटी रह जाएगी आधी, सेकेंड पोलराइड के बाद 1/4 और थर्ड पोलराइड के बाद ही रह जाएगी 1/8। और में जो क्वेश्चन था, व्हाई कैनॉट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस बी ऑब्जर्व बाय इल्यूमिनेटिंग टू पिन होल्स विद टू सोडियम लैंप्स, इसका रीजन बताने का आपको आधा नंबर मिल रहा है। हम जानते हैं टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट अगर इंडिपेंडेंट है, लेजर नहीं है एक्सेप्ट लेजर, एक लेजर इज द एक्सेप्शन, आर नॉट कोहरेंट, कोहरेंसी नहीं होगी, सो कांट ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस यूजिंग टू सोडियम लैंप, तो हम उनके बीच इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, पैटर्न लगातार चेंज होगा। बी पार्ट डेरिवेशन है, टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट्स y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इंटरफेयर टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड obtain the conditions for constructive and destructive interference. Direct derivation था, NCERT में भी available है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। Intensity निकल के आती है 4I0 times cos square phi by 2. Constructive की condition हम निकाल सकते हैं, जब phase difference होगा 0 या plus minus 2 pi या plus minus 4 pi. Destructive की condition जब phase difference होगा plus minus pi, 3 pi, 5 pi etc. तो ये हो गया ए और बी पार्ट। सी पार्ट न्यूमेरिकल है, दो वेवलेंथ है सोडियम लाइट की, 590 नैनोमीटर 596 नैनोमीटर, इन दोनों को हम यूज कर रहे हैं टर्न बाय टर्न, यानी एक बार 590 दूसरी बार 596, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इनको हम मान सकते हैं। डिफ्रेक्शन हम इससे करवा रहे हैं सिंगल स्लिट जिसका अपर्चर यानी स्मॉल ए दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶ मीटर। अगर डिस्टेंस जो है स्लिट और स्क्रीन के बीच की 1.5 मीटर है, कैपिटल डी भी दिया हुआ है, तो हमें सेपरेशन बताना है, डिस्टेंस कितनी होगी या डिफरेंस कितना होगा, पोजीशन ऑफ सेकेंड मैक्सिमा ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न, तो एन की वैल्यू 2 है सेकेंड मैक्सिमा, या जीरो ऑर्डर का है तो सेकेंड मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखते हैं। पोजिशन ऑफ सेकेंड मैक्सिमम y2 5 लैम्डा d बाय 2a, सबसे पहले तुमने लिखा तो सेपरेशन निकालेंगे तो 5d बाय 2a लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ये आ जाएगा फॉर्मूले से। अब बस सारी वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज रखनी है और आंसर आ जाएगा 11.25 × 10⁻⁲ मीटर, ये 11.25 मिलीमीटर, मिलीमीटर उसको कह सकते हैं, इसलिए 10⁻³ के फॉर्म में इसको छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 27 Part A, describe briefly with the help of a circuit diagram the method of measuring the internal resistance of a cell. हम जानते हैं कि potentiometer से नापा जाता है. B part, give reason why potentiometer is preferred over a voltmeter for the measurement of EMF of a cell. दो कारण होते हैं, कोई से एक बता सकते हैं. In the potentiometer circuit given below, calculate the balancing length L. ये numerical attach कर दिया गया है. Reason बताना है, क्या सर्किट काम करेगा अगर ड्राइवर सेल यानी ये 5 वोल्ट वाले सेल की जगह हम लगा दें 2 वोल्ट का सेल, तो 2 वोल्ट का सेल लगाने पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एबी के अक्रॉस, अगर वो पोटेंशियल ड्रॉप टोटल ड्रॉप 300 मिली वोल्ट से कम है तो ये काम नहीं करेगा, 300 मिली वोल्ट से ज्यादा है तो काम करेगा। तो चेक करते हैं सर्किट डायग्राम और डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड, उसके लिए आपको दिए जाएंगे दो नंबर, रीजन लिखने का आधा नंबर
और बैलेंसिंग लेंथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का 2.5 नंबर। तो आपको बनाना है सर्किट और ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, ये जो पॉइंट ए और सी दिखाए इनके बीच घुमाकर कम से कम आपको 6 तार बनाने हैं पोटेंशियोमीटर के लिए। ये वो सेल है जिसका इंटर रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने इसके साथ पैरेलल में लगा दिया। मेथड ब्रीफ में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लग इन द की K1, इसको लगाया, K2 को खुला रखा एंड फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। और हमने क्या किया, बैलेंसिंग लेंथ L1 इस तरह से निकाली कि E = KL1 और इसको equation 1। फिर हम K2 को क्लोज करते हैं जिससे सेल क्लोज सर्किट में आ जाता है, EMF घटकर वोल्टेज के बराबर रह जाता है। तो नई बैलेंसिंग लेंथ जो हम निकालेंगे वो पहले से कम आएगी, माना कि L2, वो V के कोरिस्पॉन्डिंग होगी, equation 2 उसको मार्क किया। फॉर्मूला हम जानते हैं E = V + IR से हमको मिलता है R = E/V - 1 × R। इसमें E और V की वैल्यूज हमने रखी, K कट गया जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्योंकि रियोस्टेट में हमने कोई पोजीशन को चेंज नहीं किया जॉकी की, तो K कांस्टेंट है। L1/L2 - 1 × R ये फॉर्मूला आ गया, इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो पार्ट ए इज ओवर। बी पार्ट, पोटेंशियोमीटर प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में, क्योंकि पोटेंशियोमीटर नापते वक्त कोई करंट नहीं लेता सर्किट से, तो एग्जैक्ट वैल्यू नाप पाता है, एक रीजन तो ये है। वोल्ट मीटर थोड़ी सी करंट लेता है, थोड़ा सा कम नापता है। अब दूसरा जो कारण है वो है कि पोटेंशियोमीटर से जब रीडिंग लेते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि गैल्वेनोमीटर में जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, जबकि अमीटर वोल्ट मीटर से रीडिंग लेते वक्त आपको ऑब्जर्वेशन लेना होता है कि कितने डिविजन्स का डिफ्लेक्शन आया, जिसकी वजह से पैरेलेक्स एरर होने के चांसेस रहते हैं, यानी एरर होने के चांसेस वोल्ट मीटर में ज्यादा है, पोटेंशियोमीटर में कम है, इसलिए भी हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं। देन पार्ट सी न्यूमेरिकल था, टोटल ड्रॉप 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस जो है वायर का 50 ओम, एक्स्ट्रा डोज रेजिस्टेंस लगाया हुआ है हमने इस सर्किट में, वो 450 ओम, वायर का रेजिस्टेंस 50 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 500। तो इससे करंट निकाल लिया हमने 0.01 एम्पियर। ड्रॉप ऑन वायर निकाला तो वायर AB पर होने वाला ड्रॉप हुआ, करंट इनटू रेजिस्टेंस 0.5 वोल्ट, यानी 500 मिली वोल्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया 0.5/10, 0.05 वोल्ट/मीटर। इससे बैलेंसिंग लेंथ आ गई हमारे पास L = V/K, क्योंकि V होगा KL, तो 300 मिली वोल्ट के लिए बैलेंसिंग लेंथ है 6 मीटर। 6 मीटर पर हमें मिलेगा बैलेंस पॉइंट। फिर आपसे पूछा गया था अगर 2 वोल्ट का ड्राइवर सेल लगा दें तो हम देख पा रहे हैं कि करंट जो है कम हो जाएगी, कम रह जाएगी, 2/500, 0.004 एम्पियर करंट रह जाएगी। तो अब जब पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे पूरे वायर AB पर, वो 200 मिली वोल्ट हो रहा है, जबकि सेल इटसेल्फ 300 मिली वोल्ट का है जिसे बैलेंस नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब है सर्किट विल नॉट वर्क। ऑप्शन में क्वेश्चन था स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए मीटर ब्रिज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं मीटर ब्रिज काम करता है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लिखना चाहिए, यानी बैलेंस वर्ड को ना भूलें। बी पार्ट था गिव रीजन व्हाई द कनेक्शंस बिटवीन द रेजिस्टर्स, कंसेप्चुअल पार्ट है। इन ए मीटर ब्रिज आर मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स, व्हाई इज इट जनरली प्रेफर्ड टू ऑब्टेन द बैलेंस लेंथ नियर द मिड पॉइंट ऑफ द ब्रिज वायर। तो दोनों पार्ट का आंसर आपको सीक्वेंस में देना है। थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शंस व्हिच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द ब्रिज फॉर्मूला। P/Q = R/S में हमने कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस नहीं लिया है, उसको जीरो माना है, नेगलेक्ट किया। सेकंड, बैलेंस पॉइंट इज प्रेफर्ड नियर मिड पॉइंट ऑफ ब्रिज वायर टू मिनिमाइज परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। या हम यूं कह सकते हैं कि जब चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव होता है। चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के पी और क्यू जो वायर पर मिल रहे हैं वो सेम ऑर्डर के तभी मिलेंगे जब बैलेंस पॉइंट मिड पॉइंट के आसपास होगा। तो 30 से 70 के बीच ही सारी रीडिंग लेना प्रेफर हम करते हैं। देन पार्ट सी एक न्यूमेरिकल है,
calculate the potential difference across 4 ohm resistor in the given electrical circuit using Kirchhoff's rule. तो direct straightforward first type का numerical है, जैसे कि theory में मैंने पढ़ाया हुआ है, Kirchhoff's law वाला lecture आप देख सकते हैं, मेरे channel पे available है, सुदृढ़ program 2 playlist में 2018-2019 में. तो ये आप अपने तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे भी आपने KVL लगाना सीखा है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेथड आपने KVL में कन्वेंशन कौन सा यूज किया. हाँ, ये बाउंड किया जा रहा है आपको कि KVL से ही सॉल्व करना है. अगर किसी ने इक्विवेलेंट सेल इक्विवेलेंट EMF निकाल के सॉल्व किया तो वो गलत हो जाएगा. रीजन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यूजिंग Kirchhoff's रूल. Kirchhoff's rules use करके आपको सॉल्व करना है and the result is 40/7 volt. ये आएगा. तो वो स्टेप्स मैंने यहाँ नहीं दिखाई हैं. इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.